बरेली थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम में फरार आरोपी रंगलाल व कमलेश को किया गिरफ्तार। आंधी थाना पुलिस ने धरपकड़ अभियान के अंतर्गत रविवार को आबकारी अधिनियम में फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आंधी थाना प्रभारी रामकिशोर शर्मा ने बताया कि दिनांक 16/6/2022 को पुलिस को मुखबिर खास द्वारा भावनी गांव में अवैध शराब बेचने की सूचना मिली। सूचना को कंफर्म कर पुलिस जब भावनी गांव पहुंची तो वहां पर दो व्यक्ति खाकी कार्टून व प्लास्टिक का कट्टा लेकर बैठे हुए थे, जो पुलिस को देखकर कट्टा व कार्टून वहीं पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने जब प्लास्टिक कट्टे व खाकी कार्टून को चेक किया तो उनमें 20 बोतल बियर, 19 केन बियर, 11 बोतल दरबार ब्रांड, 11 अद्दे एमसीडी, 6 पौवे आईबी, 5 पौवे ऑफिसर चॉइस एवं 214 पौवे देशी शराब सहित कुल 100 लीटर 214 पौवे देशी शराब सहित कुल 100 लीटर अवैध शराब मिली थी। प्रकरण में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया जाकर मुखबिर खास की सूचना पर आरोपी रंगलाल पुत्र लादूराम मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी भावनी थाना आंधी व कमलेश कुमार पुत्र मूलचंद मीणा 31 वर्ष निवासी देवी तला थाना रायसर को गिरफ्तार किया गया।